नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सी आल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम समाज कल्याण विभाग के बारे में। समाज कल्याण विभाग में भर्ती आई है, उसको आपको मैं ऑनलाइन करके दिखाऊंगा कहाँ से आपको जो है जानकारी लेनी है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से थोड़ा मोटिव बढ़ता है, अच्छा भी लगता है। ठीक है दोस्तों, अपना भाई समझ के थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलो फिर बताता हूँ आपको कैसे कहाँ से जो है अपना समाज कल्याण का जो है फॉर्म भरना है। अभी आपको इस वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डायरेक्ट आ जाना। वैसे तो इसका जो है sevayojan.up.nic.in है इसका जो है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इसकी वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर अमरोहा में इसकी वैकेंसी निकली हुई है, बाकी आप ऑल ऑफ इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये जो मैंने आपको बताया चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमरोहा में जो इसकी लोकेशन है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आप ऑल ऑफ इंडिया से कहीं से भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसको आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर रिक्त विवरण आवेदन करें, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट डेट रखी गई है वो इसकी 7 जुलाई रखी गई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अगर इसकी कुल रिक्तियाँ बात करें तो 32 है यहाँ पे, और 10वीं क्लास से इसकी जो है वैकेंसी निकाली गई है। अन्य कोई डिग्री हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पुरुष के लिए है और बाकी सिक्योरिटी गार्ड एंड हॉस्पिटल की है, थर्ड पार्टी है। अभी यहाँ पे और देखते हैं वेतन की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 11,316 वेतन है, और 18 से 50 उम्र दे रखी है। ठीक है दोस्तों, वेतन आपको ये मिलने वाला है फर्स्ट में उत्तर प्रदेश अमरोहा में, जनपद अमरोहा। ठीक है दोस्तों, अनुभव इसमें कोई नहीं मांग रहे हैं, अनुभव का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, आवश्यकता नहीं है अनुभव की। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको आवेदन करना है तो आपको आवेदन यहाँ पर क्लिक करेगा, आवेदन करे पे जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है अपना एक रजिस्ट्रेशन बनाना है। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे बनाना है, आपको यहाँ पर जॉब सीकर साइनअप पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों अभी आपके सामने इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। अभी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद एक यूजर आईडी बनानी है आपको, यूजर आईडी बना लेना, अपना पासवर्ड बना लेना है। ठीक है दोस्तों, पासवर्ड बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है और यहाँ वाला कैप्शन यहाँ पर डालना है, वेरीफाई आधार कार्ड पर क्लिक करना है। जब आपको वेरीफाई आधार कार्ड हो जाएगा आप साइन अप हो जाएगा, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। कम्प्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो है यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के अपना जो है फॉर्म आप कम्प्लीट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले उसके लिए आपको रोजगार जो है रोजगार में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जब ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आप अपना समाज कल्याण विभाग का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ओनली 10th क्लास से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये जो समाज कल्याण विभाग का मैंने ऑनलाइन फॉर्म आपको बताया कैसे कैसे करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।